नवरात्रि चल रही है, इस अवसर पर मैंने बर्फ के शिव जी बनाए थे। इसी अवसर पर मैं है ना कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी पूड़ी आज बना रही हूँ। तो मैं धनिया को तोड़ रही हूँ, धनिया तोड़ते फिर मैं ये बेसन ले रही हूँ और बेसन को छाछ में अच्छे से डालकर चलाना है उसको। वो ये चला के वो उसमें फुटकियाँ ना रहे वो चला के फिर मैं उसको एक तपेले में बनाऊंगी। देखो ये मैंने पूरा चला लिया है छाछ और बेसन, अब जो ऐसा दिखेगा। और इसमें एक तपेले में उसमें ये लाल मिर्च तड़के के लिए ले लें और जीरे राई और मेथी दाने, और फिर उसमें कढ़ाई में तेल ले लें और फिर जीरे राई सौंफ सब डालें उसमें और तड़के के लिए मिर्च डालें और फिर उसको बेसन को घुला हुआ उसको घोल को डाल दें। ये देखो सब चीज़ें तल चुकी, इसमें मैंने हींग भी डाली है और इसको सबको डाल के अब मैं ये घुला हुआ घोल डाल रही हूँ छाछ और बेसन का। घोल के डाल के अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। एक कटोरी में मिर्ची ले ले और हल्दी धनिया मिर्ची ले लें कटोरी में और फिर उसमें डाल दें नमक अपने अनुसार के हिसाब से डाल दें जितना आपको लगे नमक। कढ़ी को अच्छी बढ़िया आधे घंटे तक उबाल दें, उसमें तो वो अच्छी टेस्ट आएगा और उबल भी जाएगी तो कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। अच्छे से हरा धनिया डाल दें, देखो उबाल आ रहा है ना, तो उबाल बंद करके उसमें हरा धनिया डालें जो कटा हुआ था। हाँ जो कटा हुआ था वो उसमें हरा धनिया डालें तो उबाल आ गया है। ये देखो मैं है ना पूड़ी 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 तल रही हूँ। अब पूड़ी तल के और फिर जो मैंने शिवजी बनाए थे तो भोग लगाना है। कढ़ी और पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं और इनको मैं भोग लगाऊंगी और फिर जो मैंने बर्फ के शिव जी बनाए थे उनको बिल्वपत्र से पूजा कर रही हूँ और आज अच्छे से उनकी स्थापना कर रही हूँ।
उनको कंकु हल्दी चावल सबसे उनको अच्छे से पूजा कर रही हूँ। और पूजा करके फिर जो कड़ी पूड़ी बनाई थी फिर हम पूरे घर खाएंगे। मेरी तरफ से नवदुर्गा की हार्दिक हार्दिक बधाई। जो जो मेरे चैनल पे नए नए हैं वो लाइक करें और शेयर करें। मैं इनको सारे पुष्प फूल बिल पत्थर सब चढ़ा के इनकी स्थापना कर रही हूँ और आरती करूँगी, आरती कर रही हूँ। मैंने आरती कर चुकी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।